ट्रिग्नोमेट्री, अंडर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड पाइथागोरस थ्योरम के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम लोग पता करेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सो व्हाट मीन बाय पाइथागोरस थ्योरम? सो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रिमेनिंग साइड। मीन्स व्हाट? हाइपो का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ देयर रिमेनिंग साइड्स। सो इसको इन विद द हेल्प ऑफ हम लोग डायग्राम देखेंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है यहाँ पे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो स्टेटमेंट है उसको वर्ड फॉर्म में लिखा गया। मीन्स वर्ड यहाँ पे जो हाइपो का स्क्वायर है वो इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रिमेनिंग साइड। सो रिमेनिंग साइड यहाँ पे क्या? ए बी है एंड बी सी है। अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे एंड इसके बेस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो एग्जाम्पल बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री। यहाँ पे पी क्यू का लेंथ है 3 एंड क्यू आर का लेंथ है 4 एंड पी आर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे 90 डिग्री मीन्स व्हाट? ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो ये क्या होता है? हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। सो यहाँ पे पी आर हम लोग फाइंड आउट करना है तो पी आर स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, विच इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर एंड क्यू आर का वैल्यू 4 है सो 4 स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 4 का स्क्वायर 16 होता है। सो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहाँ पे पी आर स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 25, तो हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। सो पी आर इक्वल टू 5। सो यहाँ पे हम लोग पी आर का वैल्यू क्या मिल गया? 5। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल एलिमेंट दिया है। इन ट्रायंगल एलिमेंट एम का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है एंड एम एन का वैल्यू 1 है। एल एन का वैल्यू मीन्स व्हाट? हाइपो यहाँ पे 2 है एंड एल एम पूछा है। यहाँ पे एलिमेंट क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एलिमेंट एंगल एलिमेंट इक्वल टू 90 डिग्री। सो पाइथागोरस का स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वो क्या होगा? एल एन स्क्वायर इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। सो एल एन का वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर इक्वल टू एल एम हम लोग फाइंड आउट करना है तो एल एम स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस एम एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है। सो 2 स्क्वायर इज 4 विच इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस 1। अभी यहाँ पे प्लस 1 क्या है? आर एच एस में, और उसको हम लोग एल एच एस में लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है? वेरिएबल को हम लोग एक तरफ रखते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू को एक तरफ रखते हैं। सो 1 को एल एच एस में लेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो वो यहाँ पे क्या होगा? 4 माइनस 1 इक्वल टू एल एम स्क्वायर एंड 4 माइनस 1 क्या होगा? 3। सो 3 इक्वल टू एल एम स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो अंडर रूट 3 इक्वल टू एल एम। सो यहाँ पे एल एम का वैल्यू क्या हो गया? अंडर रूट 3। तो यहाँ हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है एंड उसके बेस पे दो एग्जांपल्स देखें। अभी हम लोग देखते हैं बेसिक रेशियो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के। सो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। मीन्स व्हाट? दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल एंड जो 90 का अपोजिट होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं एंड यहाँ पे एंगल ए पे थीटा लिया है। सो थीटा का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट साइड होता है, तो बी सी क्या होगा? अपोजिट साइड होगा और यहाँ पे साइड ए बी रिमेनिंग है। मीन्स व्हाट? डेट इज आर एडजेसेंट साइड। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल 6 रेशियो होते हैं, उनके बारे में वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट रेशियो होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है? बी सी एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। सो साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन
एसी। सेकेंड वन इज कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या है ए बी एंड हाइपोटेन्यूस क्या है एसी। टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो यहाँ पे अपोजिट साइड बी सी है एंड एडजेसेंट साइड ए बी है। थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। फार्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस है। सो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड। सो हाइपो का वैल्यू क्या है ए सी एंड अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे बी। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है। सो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी एंड एडजेसेंट साइड यहाँ पे। लास्ट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। सो एडजेसेंट साइड इज ए बी एंड अपोजिट साइड इज बी सी। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशियो क्या होते हैं एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड पाइथागोरस के बेस पे कुछ सम्स करेंगे। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द गिवन फिगर यहाँ पे एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है। एबी का वैल्यू 5 है। एसी का वैल्यू मीन्स हाइपो का वैल्यू यहाँ पे 13 है। फाइंड साइन ए कॉस सी एंड टेन ए। यहाँ पे हम लोग साइन ए कॉस सी एंड टेन ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, सो साइन ए, साइन ए मीन्स व्हाट। साइन क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। सो इन दिस फिगर ए का अपोजिट साइड क्या होगा बी सी होगा एंड हाइपोटेन्यूस 13 आपको ऑलरेडी दिया है बट यहाँ पे बी सी का वैल्यू हम लोग पता नहीं है, डेट इज अननोन वैल्यू। सो फर्स्ट हम लोग बी सी फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और आफ्टर दैट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स व्हाट हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एबी का वैल्यू क्या दिया 5 एंड एसी का वैल्यू क्या 13। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। सो एसी का वैल्यू क्या 13। सो 13 स्क्वायर इक्वल टू एबी का वैल्यू 5 तो 5 स्क्वायर प्लस बीसी हम लोग फाइंड आउट करें तो बीसी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। सो 13 का स्क्वायर 169 होता है विच इज इक्वल टू 25 प्लस बीसी स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 आरएचएस में प्लस में तो उसको हम लोग एलएचएस में लेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। सो 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। सो 169 माइनस 25 करोगे तो हम लोग 144 आएगा विच इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो अंडर रूट ऑफ 144 इक्वल टू बी सी बिकॉज रूट से 2 कैंसल आउट हो गया है। सो 12 इक्वल टू बी सी। सो यहाँ पे हम लोग बी सी का वैल्यू है वो क्या है 12। सो यहाँ पे हम लोगों ने बी सी फाइंड आउट कर लिया। हम लोग क्या चाहिए साइन ए कॉस सी एंड टेन ए का वैल्यू। तो फर्स्ट हम लोग साइन ए फाइंड आउट करेंगे। साइन का फार्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यहाँ पे एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी होगा एंड हाइपोटेन्यूस ए सी होगा। सो बी सी का वैल्यू हम लोग ने जस्ट अभी फाइंड आउट किया जो कि 12 है अपॉन ए सी हम लोग गिवन में दिया था जो कि 13 है। सो फाइनल आंसर क्या होगा साइन ए इक्वल टू 12/13। सेकेंड कॉस सी, कॉस क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या सी का बी सी एंड हाइपोटेन्यूस क्या ए सी। बी सी का वैल्यू यहाँ पे 12 है एंड ए सी का वैल्यू 13 है। सो कॉस सी इक्वल टू 12/13। एंड लास्ट वन इज 10 है। 10 क्या होता है एडजेसेंट साइड, 10 क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे अपोजिट साइड बी सी है एंड एडजेसेंट साइड क्या है ए बी। सो बी सी का वैल्यू क्या 12 एंड ए बी का वैल्यू क्या 5। सो 10 इक्वल टू 12/5। सो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आई होप आप लोग को समझा होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, राइट एंगल ट्रेंगल पी क्यू आर। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल दिया है, ट्रेंगल का नेम क्या पी क्यू आर। इन दिस पी क्यू आर मीन्स वॉट, मिडल में क्यू है मीन्स एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री है। एंगल पी पे थीटा बन रहा है एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो
सॉल्यूशन। फर्स्ट हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ राइट एंगल ट्रेंगल दिया पी क्यू आर, तो यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रेंगल दिया पी क्यू आर। यहाँ पे एंगल क्यू क्या 90 डिग्री, मीन्स पी आर क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा। एंड इन ट्रेंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। एंड यहाँ पे एंगल पी पे क्या बन रहा है थीटा बन रहा है। सो कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग दिया 1/√3। एंड थीटा है इस वक्त थीटा का अपोजिट यहाँ पे क्यू आर है, पी आर क्या है हाइपोटेन्यूस है, तो पी क्यू का एडजेसेंट साइड होगा। सो कॉस का फार्मूला क्या होता है पी क्यू अपॉन पी आर, बिकॉज पी क्यू का एडजेसेंट साइड है एंड पी आर क्या है हाइपोटेन्यूस है। सो विच इज इक्वल टू 1/√3। सो ये यहाँ पे क्या होगा पी क्यू का वैल्यू क्या होगा 1 होगा एंड पी आर का वैल्यू क्या होगा √3। सो यहाँ पे मुझे पी क्यू का वैल्यू दिया एंड हम लोग को पी क्यू का वैल्यू दिया एंड पी आर का वैल्यू दिया है एंड क्यू आर फाइंड आउट करना है। क्यू आर क्यों फाइंड आउट करना है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग साइन थीटा पूछा है एंड साइन का फार्मूला क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो इन दिस फिगर अपोजिट साइड क्या होगा क्यू आर होगा एंड हाइपोटेन्यूस पी आर होगा। मीन साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्यू आर का वैल्यू पता होना चाहिए। सो बिकॉज ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो यहाँ पे क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। सो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पी आर का वैल्यू क्या √3। सो √3 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू 1 है, सो 1 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो यहाँ पे रूट से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 3 इक्वल टू 1 प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो यहाँ 3 माइनस 1 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। सो 3 माइनस 1 क्या होगा 2, सो 2 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, सो √2 इक्वल टू क्यू आर। सो यहाँ पे हमें मिला क्यू आर इक्वल टू √2। सो यहाँ पे क्यू आर मिल गया, तो हम लोग क्या पूछे साइन थीटा एंड टेन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल टू अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, सो साइन थीटा का अपोजिट क्यू आर होगा एंड हाइपोटेन्यूस क्या होगा पी आर। सो क्यू आर का वैल्यू क्या √2 एंड पी आर का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है √3। सो ये क्या होगा √2/3। सो साइन थीटा इक्वल टू √2/3। टेन थीटा का फार्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है क्यू आर है एंड एडजेसेंट साइड क्या है पी क्यू। सो क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे है √2 एंड पी क्यू का वैल्यू 1 है, सो विच इज इक्वल टू √2। सो टेन थीटा इक्वल टू √2। एग्जाम्पल नंबर 3। इन राइट एंगल ट्रेंगल इफ एंगल ए इज एक्यूट एंगल, यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रेंगल दिया, वहां पे एंगल ए क्या है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स वॉट लेस देन 90 डिग्री। एंड कॉट ए का वैल्यू क्या 4/3 है। यहाँ पे क्या पूछे फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स वॉट, टोटल हम लोग के पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसमें से हम लोग कॉट का वैल्यू दिया है एंड रिमेनिंग 5 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू दिया 4/3, हम लोग क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री के रिमेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। मीन्स वॉट साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे 1 by 1 फाइंड आउट करेंगे। सो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग क्या दिया है एक ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे एंगल ए हम लोग को दिया हुआ है बिकॉज कॉट इक्वल टू 4/3 है। सो सिंस 4/3 दिया हुआ है, कॉट का फार्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, सो विच इज इक्वल टू 4/3। मीन्स वॉट यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड है वो क्या ए बी है एंड अपोजिट साइड क्या है बी सी, सो विच इज इक्वल टू 4/3। सो लेट ए बी इक्वल टू 4x लिया एंड बी सी इक्वल टू 3x लिया, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या करना है ए सी फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में लिया, तो रेशियो को हम लोग क्या करते हैं उसका कॉमन मल्टीपल में लिखते हैं। सो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल मैंने x लिया है, सो ए बी इक्वल टू 4x हो जाएगा एंड बी सी इक्वल टू 3x हो जाएगा। और यहाँ पे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने में शॉर्ट हाइपो की हम लोग को नीड होगी, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी फाइंड आउट करेंगे। सो ए सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल होगा। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ये हमारा क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम हो गया।
यहाँ पे AC फाइंड आउट करने का, तो AC स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे BC का वैल्यू क्या है 3x, तो 3x स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू 4 है तो 4x स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करें, हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। सो AC इक्वल टू 5x, बिकॉज 25 का रूट 5 होता है, एक्स स्क्वायर में क्या होगा उसका रूट लेंगे तो 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो AC इक्वल टू 5x यहाँ पर मिला। हम लोग को रिमेनिंग रेशियो निकालने के मेथड, फर्स्ट हम लोग साइन ही निकालेंगे। साइन का फार्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है BC एंड हाइपोटेन्यूस क्या है AC। सो BC का वैल्यू यहाँ पे 3x है एंड हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 5x है। सो यहाँ पे क्या x एंड x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हम लोग को क्या मिलेगा 3/5। सो साइन ए इक्वल टू 3/5 होता है एंड यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या है AB एंड हाइपोटेन्यूस क्या है AC। सो AB का वैल्यू 4x है एंड AC का वैल्यू 5x है। सो XX क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 4/5 बचेगा। सो cos A इक्वल टू 4/5। थर्ड इज 10 है। 10 का फार्मूला क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मीन्स वॉट BC अपॉन AB। सो यहाँ पे BC का वैल्यू 3x है एंड AB का वैल्यू 4x है, तो XX कैंसिल मीन्स वॉट 3/4। सो 10 इक्वल टू 3/4। फार्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस AC है एंड एडजेसेंट साइड क्या है AB। सो AC का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5x एंड AB का वैल्यू क्या 4x। सो XX विल बी कैंसिल आउट, सो 5/4। सो sec थीटा इक्वल sec इक्वल टू 5/5। लास्ट वन इज cosec, बिकॉज cot हम लोग को ऑलरेडी दिया तो हम लोग उसे फाइंड आउट नहीं करेंगे। सो cosec इक्वल टू AC अपॉन BC। सो AC का वैल्यू क्या 5x एंड BC का वैल्यू क्या 3x। सो XX विल बी कैंसिल आउट, सो वी विल गेट 5/3। सो यहाँ पे हम लोग को cosec का वैल्यू मिलेगा 5/3। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा। एग्जाम्पल नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे हम लोग को एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे BD क्या है AC पे परपेंडिकुलर है एंड BD जो लेंथ है वो 4 है। AD का लेंथ यहाँ पे 3 दिया हुआ है, BC का लेंथ 12 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, sin C का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 10 स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिफ्थ वन इज sec C एंड लास्ट वन इज cot स्क्वायर C माइनस 1/sin²C। सो इसको हम लोग 1/1 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को cos A पूछा है, तो cos क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। सो cos A के लिए एडजेसेंट AD होगा एंड हाइपो AB होगा, बट AB यहाँ पे पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे एंगल ADB में पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड AB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहाँ से DC फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे AB एंड DC का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर डैट सारी वैल्यू 1/1 फाइंड आउट करेंगे। सो इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स वॉट यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ADB AB क्या है हाइपोटेन्यूस है, सो AB इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सो ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ पे AB का वैल्यू फाइंड आउट करना है, BD का वैल्यू 4² है, 4 दिया हुआ है एंड AD का वैल्यू क्या 3, तो 3² सो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो 16 + 9 क्या होगा 25। सो AB स्क्वायर इक्वल टू 25। अभी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, सो AB इक्वल टू √5, AB इक्वल टू √25, सो AB इक्वल टू 5। सो AB का वैल्यू यहाँ पे 5 हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे इन ट्रायंगल BDC एंगल BDC इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, वाई बिकॉज यहाँ पे मुझे DC का वैल्यू चाहिए। सो BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बी सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 144, विच इज इक्वल टू बी डी का वैल्यू क्या है 4, सो 4 के 16 प्लस डी सी स्क्वायर। सो यहाँ पे 16 पॉजिटिव है, उसको एल एच एस मिलेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। सो 144 माइनस 16 इक्वल टू डी सी स्क्वायर। सो 144 माइनस 16 करेंगे तो 128 आएगा, 128 इक्वल टू डी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, अंडर रूट लेंगे। सो अंडर रूट ऑफ 128 इक्वल टू डी सी स्क्वायर। अभी क्या करें, 128 का हम लोग फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा आंसर 8√2 इक्वल टू डी सी स्क्वायर। मीन्स वॉट, डी सी इक्वल टू 8√2। अभी यहाँ पे हम लोग को ए बी का वैल्यू मिल गया एंड डी सी का वैल्यू मिल गया। आफ्टर डेट हम लोग क्या करें, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन वन में हम लोग क्या पूछा है, कॉस है। सो कॉस का फार्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या है ए डी, एंड हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी। सो विच इज इक्वल टू 3/5। सो कॉस इज इक्वल टू 3/5। सेकेंड इज कोसेक, ये हम लोग पूछा है। सो कोसेक क्या होता है, हाइपो अपॉन अपोजिट साइड। सो हाइपो क्या है यहाँ पे ए बी, एंड ए का अपोजिट साइड क्या है बी डी। सो ए बी का वैल्यू 5 एंड बी डी का वैल्यू 4 है। सो कोसेक इक्वल टू 5/4। क्वेश्चन नंबर थर्ड साइन से पूछा, साइन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो अपोजिट साइड सी का क्या है बी डी, एंड हाइपोटेन्यूस क्या है बी सी। सो बी डी का वैल्यू क्या है 12 एंड बी सी का वैल्यू 4 है। सो साइन सी इक्वल टू 12/14। सो आप लोग क्या करेंगे, आई होप आपको 3 क्वेश्चन समझा होगा। फर्दर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग क्या करोगे, वीडियो को यहाँ पॉज करके आप लोग फिगर ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है, 10 स्क्वायर ए पहले फाइंड आउट करेंगे। सो 10 का फार्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो 10 ए के केस में क्या होगा, अपोजिट साइड बी डी होगा एंड एडजेसेंट साइड ए डी होगा। सो बी डी का वैल्यू क्या है 4 एंड ए डी का वैल्यू क्या है 3। सो यहाँ पे 10 का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर लिया। सो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 एंड 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। सेकेंड सेक स्क्वायर है, सेक का फार्मूला होगा ए बी अपॉन ए डी। ए बी का वैल्यू क्या है 5 एंड ए डी का वैल्यू क्या है 3 एंड उसका होल स्क्वायर क्या है, तो वो क्या है 25/9। सो अभी दोनों में डिफरेंस निकालना है, मीन्स 10 स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है। सो 10 स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या मिली 16/9 माइनस 25/9। सो इन दिस केस यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स वॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस और माइनस के केस में होता है, और अगर यहाँ पे इनटू होता तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर है, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है एंड डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स वॉट, पहले न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड डिनोमिनेटर सेम रहेगा। सो 16-25/9, 16-25 क्या होगा -9/9। सो डिवाइड करेंगे तो हम लोग आंसर -1 मिलेगा। सो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पूछा सेक्सी, सेक क्या होता है हम लोग का, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। तो सी के केस में हाइपोटेन्यूस बी सी है एंड एडजेसेंट साइड क्या है डी सी। सो 12/8√2। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग आएगा 3/2√2। सो सेक्स इक्वल टू 3/2√2। लास्ट वन इज कॉट स्क्वायर सी, हम लोग फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। सो कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू डी सी अपॉन बी डी होल स्क्वायर। यहाँ पे डी सी का वैल्यू 8√2 एंड बी डी का वैल्यू क्या 4, एंड इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 64/2। मीन्स वॉट, 8 का स्क्वायर 64 √2 का स्क्वायर का, और रूट से 2 कैंसिल हो जाए 2/4 का स्क्वायर 16 होगा। सो हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को 8 आएगा। नेक्स्ट वन इज साइन स्क्वायर सी, साइन सी के लिए अपोजिट साइड क्या है बी डी एंड हाइपोटेन्यूस क्या है बी सी। सो बी डी का वैल्यू क्या 4 एंड बी सी का वैल्यू क्या है 12। सो 4 का स्क्वायर क्या 16 एंड 12 का स्क्वायर 144, एंड इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग आंसर 1/9 मिलेगा। सो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉट स्क्वायर ए -1/sin² ए। सो कॉट स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किया, वो क्या 8
माइनस 1 अपॉन 1 बाय 9। सो 8 माइनस 1 बाय 9 को हम लोग न्यूमरेटर में लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा 9। सो ये क्या होगा हम लोग को माइनस 1। सो कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा माइनस 1। सो आई होप आपको समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।